अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी साइकिल इलेक्ट्रिक है और उसको आप पानी से वॉश नहीं कर सकते तो आप उसको किस तरह वॉश करें। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है आजकल, क्योंकि पानी से आप वॉश नहीं कर पाते, आपकी बैटरी में करंट शॉर्ट हो सकता है, मोटर ख़राब हो सकती है। तो पाकविज ने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। पाकविज ने नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आइटम्स नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल्स के नहीं बल्कि तमाम गाड़ियों के लिए भी हैं। तो आप इसको यूज़ करेंगे और मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस साइकिल बिल्कुल गंदी से। हमारे पास 3 डिटर्जेंट्स हैं, ऑल पर्पस, इट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय पार्क विंग्स, दिस इज अ वाटरलेस कार वॉश एंड दिस इज द इंटीरियर ड्रेसिंग प्रोटेक्टर। ये आपके लिए हर तरह की चीज के लिए यूज होता है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जो ये वाटरलेस कार वॉश है, इसके अंदर आप ज्यादातर आप एक्सटीरियर यूज करते हैं मैटर की शाइंस के लिए। ये एक तरह का होता है कि डिटर्जेंट वाटर होता है। अगर आप सर्फ वाला वाटर लेके वॉश करेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बस आपने स्प्रे करना है और ऐसे ही आपने मारना है तो आपका हो जाएगा। अब हम आप इसके आपको प्रैक्टिकल दिखा के दिखाते हैं। उससे पहले बाद में बता देता हूँ कि ये इंटीरियर है, ये आपके इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो वाइटनेस आ जाती है टायर्स के ऊपर, वाइटनेस आ जाती है धोने के बाद खासतौर पर, तो ये उसको ख़त्म करेगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये 3 से 4 दिन बल्कि हफ्ते तक इसकी ग्रोनेस रहती है, ये शाइन करता रहता है हर वक्त टाइम। आपको वाटरलेस कार वॉश के साथ करके दिखाते हैं। ये हमारा फ्रेम है, आप देख सकते हैं, देखिए मिट्टी लगी हुई है, दिखाया जाए, ये देखिए ये मिट्टी लगी हुई है और ये काफ़ी थोड़ा सा गंदा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम स्प्रे मारेंगे। जो मरगाड़ है उसको लाने लगे हैं ताकि इसकी और अच्छी सफाई हो। मैंने ये वाकई में प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छी चीज है ये। हम इसको क्या कर लिया, हम टूवर्ड जाते हैं इसकी लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे। मैं सारा मैंने पहले वाले तो चुपी अब मेन चीज जो टायर्स होते हैं, टायर्स के ऊपर ये जो मोटी मोटी मिट्टी लगी है ना, जाहिर सी बात है इसको तो आपको मिटा नहीं सकते, लेकिन इसको आप किसी ब्रश या किसी हैवी शार्प चीज के साथ एसेस करेंगे तो वो उतर जाएगा, बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो आपने उसको उतार लेना है, बाकी जो इसके ऊपर डलनेस आई है या उसके ऊपर थोड़ा डर्टनेस है उसको हमारा ये वाला प्रोडक्ट आसानी से साफ कर सकता है। चलिए आइए चेक करते हैं ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा डर हो गया, और तब हिलेगा तो आवाज़ आएगी चींची की कि कितना उसमें न्यूनेस आ गया। इसके ऊपर भी हम इंटीरियर वाला यूज़ कर रहे हैं।